सुहन लो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं स्टैंपिंग के बारे में फुल डिटेल से इन जनरेटिव शीट मेटल डिजाइन। सो हम इस प्लेन को चूज कर लेंगे और हम रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, जिस पे हमें कुछ स्केचेस बना लेंगे जिन पे हम स्टैंपिंग का कार्य करने वाले हैं। तो चलिए सेंटर रेक्टेंगल ले लेते हैं और मैं इनको कंस्ट्रेंट कर लेता हूँ एंड देन हम इसको डायमेंशन दे देते हैं 150 150 एंड एग्जिट। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले शीट मेटल पैरामीटर को एक्टिवेट करेंगे, जिससे हम यहाँ से थिकनेस दे देते हैं और डिफ़ॉल्ट रेडियस दे दिया और फिर यहाँ पे मैं इनको वॉल दे देता हूँ एंड इस वाले सरफेस पे मैं कुछ स्केचेस बना लेते हैं जिससे हम स्टैंपिंग का कार्य करेंगे। फर्स्ट स्केच और मैं फिर से कुछ नया स्केच बना लेता हूँ। इस बार मैं कुछ कर्व टाइप में बना लेता हूँ, कुछ इस तरह से स्प्लाइन की मदद से स्केच एंड फिर से मैं कुछ और बना लेता हूँ। यहाँ से मैं ये लाइन ही सिंपल से बना ली है और मैं फिर से एक स्केच बनाऊँगा कुछ सेंटर रेक्टेंगल से कुछ इस तरह से। और नेक्स्ट के लिए मैं फिर से बना लेता हूँ कुछ इस तरह का, मैं फिर से वही बना लेते हैं और एग्जिट। और हम चाहें तो मैं फिर से, अब देखिए मैं कुछ यहाँ से स्टैंपिंग का ले करके ये सारे स्टैंपिंग है। सबसे पहले हम सरफेस स्टैंप को लेंगे और उस वाले को सिलेक्ट करके मैं जैसे इसने सिलेक्ट करता हूँ तो इस टाइप का बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पे हम इस सरफेस को जैसे रिस सिलेक्ट अनसेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस टाइप का बनकर तैयार हो जाता है। हम इसको हाइट डेप्थ वगैरह सब कुछ यहाँ से दे सकते हैं। इसमें भी हम रेडियस बीड स्टैंपिंग बीड को यूज करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें हाइट और रेडियस डिफाइन किया जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा, यहाँ से भी ले सकते हैं हम कर्व स्टैंपिंग। कर्व स्टैंपिंग के लिए मैं इसे भी यूज कर सकता हूँ तो ये कुछ इस तरह का। इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना होता है वरना यह एरर बताने लगता है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए थोड़ा बहुत ही चेंज करके आप चेक कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट यूज करता हूँ, यहाँ से मैं फिर से स्टैंपिंग लेता हूँ। नेक्स्ट है अपना फ्लैंज कटआउट, तो इसके लिए मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और प्रीव्यू करेंगे तो ये देखिए कटआउट हो चुका है पूरी तरह से। कुछ इस तरह से अपना डिजाइन भी बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको फिर से अगर चेकआउट करना चाहें इस तरह से तो मैं इस तरह से डायमेंशन वगैरह चेंज करके रिवर्स डायरेक्शन में भी इसको इस तरह से फ्लेंज कटआउट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है और इसके लिए हम इस तरह का, मतलब कुछ इरर बता रहा है, मैं इन्हें कुछ डायमेंशन को यहाँ पे चेंज करके हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कुछ में ज़्यादा बड़े बड़े डायमेंशन दिए होते हैं इनको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कम डायमेंशन कर देते हैं इनका तो यह एरर नहीं शो करेगा। मान लीजिए जैसे मैं फिर से एक और ज्योमेट्री बना लेते हैं कुछ इस साइज का, देन एग्जिट। और हम अब इस बार चूज करेंगे उसी लोअर स्टैम्प के बारे में, तो मैं इसको देखिए इस बार हो गया अपना रेडियस 2 mm का दिए हुए इस साइड से भी नीचे वाले में भी R1 R2, तो हमारे यह कंप्लीट हो गया लोअर स्टैम्पिंग। अभी इरर बता रहा है, मतलब ये 2 mm का ही रखने देंगे, इरर बताने लग रहा है। इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, नहीं तो ये इरर बताने ही लगता है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे डायमेंशन दिया रहेगा, रैंडम इस पर काम नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिस के लिए थोड़ा बहुत डायमेंशन चेंज करके इसको चेक कर सकते हैं। देखिए ये इस पर ले लिया एंड या कुछ इस तरह से डिजाइन बन गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला ले लेते हैं। हम अब लेंगे इस बार यहाँ से सेलेक्ट करेंगे
ब्रश स्टैम्पिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन जाता है, या करो टाइप में डिज़ाइन बनता है। मैं यहाँ से इसका डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं, मतलब यह डायरेक्टली ही सरफेस पे सिलेक्ट करने के बाद यह इस टाइप का बना के तैयार कर देता है। शीट मटेरियल में इसका काफ़ी यूज होता है, अब इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर स्टैम्प, नहीं ये क्या है, फ्लेंज होल है। तो यहाँ से इस टाइप का रेडियस के साथ हाइट और उसके साथ यह होल भी क्रिएट कर दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट कमांड को यूज करेंगे। ये क्या है, वॉल ऑन ईच वॉल, अगर सेलेक्ट करते हैं और मैं इसकी हाइट को इस टाइप से, अब मैं इसी को यूज करूँगा नेक्स्ट वाले कमांड में, तो ये दोनों पे एक टाइप का तब स्टैम्पिंग क्रिएट कर देगा जो सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट नहीं, ये तो होल टाइप में निर्माण कर दे रहा है। और नेक्स्ट वाला टूल है हमारा, और इसको भी कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं, स्क्रू टाइप में अब कन्वर्ट कर देगा, नीचे से होल भी हो जाएगा। सो इस तरह से हम इन सारे कमांड को यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट वाले के लिए, मैं कुछ इस तरह से सेंटर रेक्टेंगल लेकर के मैं इसे इस तरह का ज्योमेट्री बना लेता हूँ, एंड एग्जिट करके मैं इसको शीट मेटल पैरामीटर को एक्टिवेट करने के बाद मैं इसको वॉल में क्रिएट कर लूँगा। पार्ट डिजाइन में इससे ही मैं इससे कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रूड कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रूड लिमिटेड होता है, इसलिए मैं इसे कुछ इस तरह से यहीं से कर लेता हूँ। अब मैं वापस से वहाँ जाएंगे जनरेटिव शीट मेटल डिजाइन में। अब मैं क्या करूँगा कि इस वाले सरफेस पे मैं एक मिनट, यह इस टाइप का बना करके अब मैं इसको वॉल में क्रिएट कर लेंगे। तो यह इस पर अब हम इसको ड्रॉप कराएंगे, तो लास्ट वाला जो अंतिम में है उस स्टैम्पिंग को यूज करेंगे, यूजर डिफाइन स्टैम्पिंग इस तरह से करेंगे। तो यह इस टाइप का पंच करके तैयार कर देगा इस टाइप में। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैम्पिंग कमांड, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टैम्पिंग का यूज किया जाता है इस तरह से यूज कर सकते हैं आप अपने मॉडल में। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। आप पुराने भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, इसमें हमने मल्टी सेक्शन सॉलिड कम्बाइन और पूरा पार्ट डिज़ाइन वार फ्रेम डिज़ाइन को कंप्लीट कवर किया हुआ है, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद। एनी डाउट हो तो कमेंट बिलो इन द चैट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।